पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक और बड़ी कामयाबी। वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान अहम दहशतगर्द कमांडर 3 साथियों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक एहसान सानवे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। मोटरवेज ज्यादती केस में ड्रामाई मोड़, अहम मुलजिम वकारुल हसन ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी, जुर्म तस्लीम करने से इनकार। मरकजी मुलजिम आबिद अब तक पुलिस के हाथ न आया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पुलिस ने मुलजिम आबिद के भाई और वालिद को तहवील में ले लिया। मुलजिम का आज की अचीवमेंट यह है कि उसका भाई और उसका वालिद भी गिरफ्तार है और इंशाल्लाह चंद घंटों के अंदर और कुछ दिनों के अंदर वो मुलजिम आबिद भी जल्द गिरफ्तार। कराची की मरवा के कत्ल केस में सिंध की फॉरेंसिक लेबोरेटरियों की असलियत खुल गई। 5 रोज गुजरने के बावजूद 30 मुश्तबा अफराद के DNA की रिपोर्ट जारी ना हो सकी। सिंध पुलिस का हाई प्रोफाइल केस में जमा DNA सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भेजने का फैसला। और हमजा शहबाज कोरोना में मुब्तला, वालिद शहबाज शरीफ की कौम से दुआए सेहत की अपील। नून लीग ने हमजा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए महकमा दाखिला पंजाब को खत लिख दिया। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं हमजा शहबाज सियासी जुर्म में नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी ठेकों में कमीशन के जुर्म में कैद हैं।